नाउ नेक्स्ट कम्स द कम्युनिकेशन। सो अब बच्चों हम स्टडी करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है। वी ऑल स्पीक टू ईच अदर एंड शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स। तो हम सभी बच्चों एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, और हम सब एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ और थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, वो हम शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं? बोल के। वी शेयर आवर थॉट्स आइदर बाय स्पीकिंग देम और बाय राइटिंग देम डाउन। सो या तो हम बोल के उनके साथ अपने आइडियाज़ और थॉट्स शेयर करते हैं, या फिर हम लिख कर शेयर करते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ व्यूज़ और आइडियाज़ विद ईच अदर इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ वॉट? इट इज़ द शेयरिंग ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़। किसी के साथ अपने व्यूज़ या आइडियाज़ शेयर करना, हम उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। वी कैन कम्युनिकेट इन मैनी वेज़। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। टॉक फेस टू फेस, फेस टू फेस एक दूसरे से बात करना। स्पीक ओवर द फोन, फ़ोन पे एक दूसरे से बात करना, जैसे अभी मैं फ़ोन पे आपसे बात कर रही हूँ। राइट लेटर्स, लेटर्स लिखना एक दूसरे को। सेंड कार्ड्स, कार्ड सेंड करना। एंड मेक वीडियो कॉल्स। आजकल आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स करते होंगे ना, सो वीडियो कॉल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन ओल्डन डेज देयर वर पीपल कॉल्ड मैसेंजर्स हु यूज़ टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने ज़माने में बच्चों मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, डाकघर वगैरह नहीं होते थे, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेजेस कैसे पहुंचाते थे? वो लोगों की सहायता से पहुंचाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको मैसेंजर कहा जाता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेकर जाते थे। मैसेजेस वर ऑल्सो सेंड थ्रू पिजन्स। एक मैसेज भेजने का तरीका ये भी था कि लोग पिजन्स की हेल्प लेते थे, कबूतरों की हेल्प लेते थे। कबूतरों के पैरों में या उनकी चोंच में एक लेटर जो है वो बांध दिया जाता था, उसमें कुछ लिखा होता था, मैसेज लिखा होता था, फिर उसको उड़ा देते थे, और वो पिजन अपने आप, वो इतना समझदार होता था कि वो अपने आप दूसरी जगह पहुंच जाता था जहां पर उस मैसेज को पहुंचाना होता था। तो फिर वहां से वो लेटर निकाल के उसको पढ़ लेते थे। सो लेटर इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एनवेलप्स वर यूज टू सेंड मैसेजेस। उसके बाद लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स वगैरह आए मैसेजेस यूज़ करने के लिए। सो दीज डेज वी हैव मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, ईमेल एंड स्पीड पोस्ट टू कम्युनिकेट फास्टर। बट आजकल हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? मोबाइल फोन्स की हेल्प से, टेलीविजन की हेल्प से, ईमेल्स की हेल्प से और स्पीड पोस्ट की हेल्प से हम फास्टर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो ऑल दीज मीन्स आर द कम्युनिकेशन मीन्स। हम एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। ये जो पुराने तरीके होते थे इसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब हम बहुत फास्टर वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो बच्चों इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।